वेलकम बैक। आ चुके हैं जनाब ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आके हम आपको फिर से लेके जाएंगे। ये बात कर रहे थे हमारे साथ उमर जावेद कि इन्होंने अभी प्रॉपर कोई उस्ताद नहीं पकड़ा। तो उमर, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जरूरत नहीं समझी या अभी आप इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे? मैं इस चीज़ को सीरियसली मैं ले रहा हूँ, तो इसलिए तो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ इतनी आने क्योंकि मैं इंशाल्लाह मैंने इसको सीखना है प्रॉपरली, मैं इसको सीखूंगा तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तो अच्छा, अभी आपकी प्रॉपर जो फोकस टारगेट क्या है आपका, बेसिक टारगेट बताएं? बेसिक टारगेट ये है, अभी तो फिलहाल मैं अपनी एल्बम पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो एल्बम आएगी और उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे मेरे स्टाइल। ओके जी, पहली एल्बम होगी जड़ी उस्तादों बगैर ही आ जाएगी, और फिर बाप आपको बताएगी कि उस्ताद के बगैर एल्बम निकालने का तुक क्या बनता है। तो खैर, अवाम हमारी बड़ी समझदार है, बात ये है, आपने भी देखा होगा जब हम जाते हैं, फैंस जो होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो कितने समझदार होते हैं। आप यकीन करें कि कभी किसी कॉन्सर्ट पे हमें म्यूजिशियंस ना प्रोवाइड हो, मतलब हमें उस तरह का बजट ना मिले, तो हम लिपसिंग करते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ। तो वहाँ पे शोर मच जाता है कि लिपसिंग हो रही है। आजकल कोक स्टूडियो ने, नेस्कैफे बेसमेंट ने जो है ना, हमारी ऑडियंस उनके कान बहुत खोल दिए हैं, उनको पता चल जाता है कौन सुरीला है, कौन कैसा है, कौन एक सेकंड में पता चलता है जनाब। लेकिन हम यही बात का पता चलाने के लिए उमर जावेद साहब पब्लिक नूं दसो, बगैर उस्ताद तो तुसी एल्बम ते कर दियोगे, बगैर उस्ताद तो तुसी इत्थे गा के दसो। ये माइक पड़ा हुआ है जनाब, ये माइक पकड़िए, और आपका एक ट्रैक है, क्या नाम है उस ट्रैक का? खामोशी में तुम सुनो मेरे दिल की बातों को। ओके ओके जी, खामोशी में तुम सुनो मेरे दिल की बातों को, हो ना सकेगा जो बयां, सुन ले मेरी आँखों से आँखें ये कह रही, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं दूंगा, इतना प्यार मैं शर्माएंगी सांसें भी। तुझको मांगा, नजरों ने तुझको ढूंढा, तुम हो वही वो, तुम वही आंखें मेरी जो ये कह रही, सांसें मेरी अब कहने लगी। खामोशी में तुम सुनो मेरे दिल की बातों को, हो ना सकेगा जो बयां, सुन ले मेरी आँखों से आँखें ये कह रही, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं दूंगा, इतना प्यार मैं शर्माएंगी सांसें भी। जबरदस्त, ब्यूटीफुल, अच्छा गाया है आपने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरी एल्बम जो है वो अच्छी हो, और बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक गाते हैं आप, हैं? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा फील वाला। ये आपने खुद ही लिखा? जी मैंने खुद ही लिखा। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं खुद ही लिखूं और खुद ही उसको गाऊं, और कंपोजिशन भी खुद ही करते होंगे? जी जी, कोशिश यही होती है कि मैं लाइक खुद ही करूं, तो म्यूजिक वगैरह के लिए मतलब तू किसी ने और कुछ नहीं करन देना, किसी ने कुछ नहीं मान दे, समझ दे ही नहीं किसी ने कुछ नहीं, अच्छी बात है।
उस्ताद भी नहीं रखना, किसी को लिखने भी नहीं देना, किसी को कंपोज भी नहीं करने देना और फिर किसी को सुनने भी नहीं देना. ऐसा ना हो कि आखिर में हो कि किसी को सुनने भी नहीं देना, मैं खुद ही सुनूंगा. ये तो नहीं है ऐसा, कोई ऐसा नहीं होगा. नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. इंशाल्लाह मैं मुझे अपने ऊपर भी क्या इंशाल्लाह अल्लाह पर मुझे क्या, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपको अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाता है. तो आपने ये जो गाया है माशाल्लाह से, जो आपने लिखा है, जो गाया, आपको कॉन्फिडेंस था और यू प्रूव इट माशाल्लाह. बहुत 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 ज्यादा अच्छा गाया, यकीन करें. और इतना मैं मतलब आई वाज जस्ट लविंग इट. इतना मजे का, इतना फील के साथ, फीलिंग के साथ करें, बहुत मजा आया. थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट इट. ठीक है, चंगा कितना उस्ताद आदमी रखा. नहीं नहीं, ये आजकल ये भी स्टाइल ट्रेंडिंग में है. कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं ये क्या कहते हैं, उनकी भी राय सुन लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. वालेकुम सलाम मैडम, मैं सोनिया बात कर रही हूँ. जी सोनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी. ठीक है, सुना मैं बिल्कुल फिट जी. अच्छा सोनिया ये बताइए, हमारे साथ दो दो सिंगर बैठे हुए, कुछ सुनना चाहेंगी? कर लो फरमाइश. ढोला सानू. ओके जी सोनिया, थैंक यू वेरी मच. ओके गाते हैं, शुजा गाएंगे. ये वाला जो शोभा है ये शुजा का. ढोला सानू प्यार दे नशे ते लाओ के, ते हुण साडा जाणू नू बणदा, वे हुण साडा जाणू नू बणदा. चंगे पले हसे साडी जिंदगी विजाके, वे हुण साडा जाणू नू बणदा, वे हुण साडा जाणू नू बणदा. सराइकी जितने भी सराइकी जितने गाने आप उसमें रोना अलाप जिन्होंने कहते ना स्यापा पंजाबी छोटे हैं, तो वो उसमें ज्यादा ज्यादा सारा होता है. खैर जनाब जो भी है इट्स ओके, व्यूअर्स की पसंद है, वो लोग पसंद करते हैं तो इट्स ओके. लोग बहुत ज्यादा रोने गाने पसंद करना चाहते हैं, हमारे साइकी रोना भी जरा म्यूजिक के साथ चाहते हैं, ये भी बात है. आप मुझे एक साइकी बड़ा अच्छा एक सॉन्ग है, वो मैं उसको कर भी रहा हूँ. बहुत पुराना, बहुत पुराने है. बिल्कुल मैथों सोच वाला है, फूल मैं नहीं तोड़े. ये तो हो चुकी है गल. कॉलर ने साडे नाल, अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. कौन और कहां से? मैं ननकाना साहब से बात कर रहा हूँ जी. मोहम्मद यूनस मुगल जी. यूनस साहब आप अतावला का या आलम लोहार का गाना सुना दे मेहरबानी. कौन सा पहले ये बताइए, कौन सा? आप आलम लोहार का गाना बाजा मारिया बुलाया कई बार मैं. ओके जी, ओके जनाब सुनाते हैं जी आपको. थैंक यू वेरी मच. अताउल्लाह साहब का सुना देता हूँ, आलम नवार साहब मैंने सुना. अच्छा ठीक हो गया. ये तो बहुत फेमस गाना, बाजा मारियां बुलाया कई बार किसी ने मेरी गाल ना सुनी. जब उनके नहीं सुनी थे फिर क्यों सुना यार. अताउल्लाह साहब, अताउल्लाह साहब बिल्कुल. प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी है. प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, तेरा दीदार चंगा साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है. तेरा दीदार चंगा साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है. तू जे ना दिसे ते ओ तू जे ना दिसे ते चुम लईदा ए तेरा दर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी ए. प्यार नाल ना सही. तो लोग लाइक करते हैं, हर बंदा तो बस ऐसे ही है.
खैर जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी, देखें अब किसकी बारी आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब कौन और कहां से जी? गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल मुझे पता है जनाब, आप कौन बात कर रहे हैं जी? मैं अरशद बात कर रहा हूँ। अरशद बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी गाना सुनने हैं वाजिद बगदादी का। वाजिद बगदादी का कौन सा ये बताइए, कौन सा? सोने दी चूड़ी। सोने दी चूड़ी, हाथ में डोला पाई हुई है, रह नहीं सकते, पता नहीं मर नहीं सकते। ओके जी ओके। सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई होई है, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई होई है, रे नी ससकदे के नी ससकदे हुण तक कसम जो चाई होई है, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई होई है, सोने दी चूड़ी। ओके हो गया जनाब, सोने दी चूड़ी पाई हुई है। तो खैर मतलब अजीब तरह दे सराइकी गाने ने, बट पब्लिक लाइक दैट है जी, की कर सकते हैं, पब्लिक लाइक कर दी। आप क्या सोचते हैं ये सारी फरमाइशों के बाद, अगर मतलब हमारे साथ पंजाबी वाले ना होते, आप क्या सुनाते हैं? मैं फिर आपकी शक्ल ही देखता। क्या नहीं, करते? आप उर्दू की कोई कोई भी जो आपका पसंदीदा कोई फेवरेट सॉन्ग उर्दू का किसी हाँ, का ये माइक लीजिए, कोई दो लाइनें आप सुनाइए प्लीज, पता तो चले तुसी आए हुए जनाब। अच्छा जी जी, तो ठीक हो गया। मैं आपको सुनाता हूँ मेहंदी अतन साहब है। ओके ठीक हो गया, रहने दे आप, इट्स ओके इट्स ओके। मैं कुछ सुना रहा हूँ, मैं कुछ सुना रहा हूँ। हाँ जी जी बोलिए। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं सादगी का, भला कोई इनसे जाके कह दे मजा सॉरी मुकाम ऊंचा है सादगी का। दैट्स गुड नाइस, अच्छी बात है। हम दुआ करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब उर्दू को तो सुनते ही आप और गाएं भी, और पाकिस्तानी जो मेरे ख्याल में आप अपनी पोइट्री को ही लिखते हैं, अपनी पोइट्री को ही गा रहे हैं आजकल जी, जी, तो इसलिए वो जब बंदा दूसरों को सुनता है उनसे इंस्पिरेशन लेता है, फिर उनके गाने भी सुनता है और याद भी होते हैं। एक एक लिविंग लेजेंड है हमारे राहत फतेह अली खान साहब, उनकी एक बात मुझे आज तक याद है जी जी। वो अकरम राही साहब को सुन रहे थे, उनका जॉनरा बहुत डिफरेंट है, उनका क्या जॉनरा? बिल्कुल। तो एक बंदे ने पूछा कि आप ये क्या सुन रहे हैं, कहते तुम हैरान तो हुए होगे कि मैं क्या हूँ और मैं क्या सुन रहा हूँ, कहते ये बात नहीं है, हर जॉनरा सुनो, हर बंदे को सुनो, ताकि तुम आज किसी को सुने हो तो कल तुम्हें भी सुने, कल तुम्हें भी कोई सुने। बिल्कुल जी, कॉलर है हमारे साथ, वो भी हमें सुन रहे हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम सलाम जी, जनाब कौन और कहां से? असगर का बात कर रहा हूँ, बहावलपुर से। जी असगर बहावलपुर से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिट हैं, खैर से हैं? ठीक ठाक। गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना सुनना है असगर? अकरम राई का। अकरम राई का कौन सा गाना? प्यार दिया टहनिया तो फुल खुश गए अस्सी जो मनाउंदे सी आप रुस गए। ए गल ना नहीं आंदा शुजानु, ए गल मैं ओदे वल वेखे बगैर दस दते, ए नहीं आंदा शुजानु। नहीं असल में मैं प्यार दिया टहनिया तो फुल चुन ले, प्यार दिया टहनिया तो फुल खुश गए अस्सी जो मनाउंदे सी आप रुस गए। अच्छा ओए होए, ए तो बड़ी माड़ी गल हुई, अफसोस ही कर सकने हैं। गाना इहदे नाल मिलदा जुलदा कोई सुना देने हैं कि की टुट गया समथिंग, और कुछ टुट देने हैं, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और कुछ तोड़ दियो जनाब? नहीं गाना है सराइकी का ही, वही दिल तोड़ दियो, कोई शह तोड़ दियो, गमला तोड़ दियो, फूल तोड़ देने, फूल तोड़ दियो। मैं तो सोच वाले फूल में नहीं तोड़े वे, मैं तो सोच वाले फूल में नहीं तोड़े वे, मेरी बाया तड़क जे मैं तेरे तोड़े वे, मैं तो सोच वाले फूल में नहीं तोड़े वे, मैं तो सोच वाले ओ जड़े फूल तोड़े दे ओ मावी नहीं हो दे, दुश्मन वफा दे हलाल ही नहीं हो दे, हलाल ही नहीं हो दे,
ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲ ਸਲਾਮ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਯੂਨਸ ਮੁਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਮਥੂਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਡਾਚੀ ये तो बहुत बहुत इस तरह की फरमाइशें जनाब ऐसी ऐसी फरमाइशें आती है पक्के हो गए हमें आप इनकी फरमाइशें सुन सुन के तो खैर मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पाकिस्तान की 70% जो आबादी है जी, बिल्कुल, वो विलेजेस से बिलोंग करती है ठीक है जी ये लाहौर कराची हैदराबाद मुल्तान या साहिवाल के जो शहर हैं सिर्फ शहर वो कुछ हैं गिने चुने जहाँ पे कुछ आबादी मुकीम है बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे देहातों और ये तहसीलों और मतलब सारा अभी इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है आपको सबको पता ही है हमारी तालीम की शरह क्या जा रही है हमारे यहाँ पे चल क्या रहा है वो सारी चीजें जहन में रखनी पड़ती हैं तो इसलिए जनाब तैयारी के साथ बैठना पड़ता है नाराज नाना तैयार होती है हर वक्त हर मुकाबले के लिए तो जनाब आपको सुना दिया है ये सॉन्ग और अभी आपने वो जो फुल मैं नहीं तोड़िया जिड्डी मुश्किल ने तुसी गा रहे सो पता चल रहे सी नहीं तोड़िया ताड़े को सोंग ही चकानी सी सही बात है ताड़े प्राण चुके जाने थी थोड़ी देर और गाने मैं क्या बासी कर दी अच्छे ब्रेक लाओ ब्रेक तो खैर जनाब आपने मेरा ख्याल में जो अभी अभी सॉन्ग सुनाया लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं अभी उनसे बात करके फिर आपकी तरफ वापस आते हैं अस्सलाम वालेकुम जी हेलो 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 टी आप टीवी का वॉल्यूम खोल के बैठे हुए हैं आप मुझे फोन पे सुनिए काइंडली प्लीज फोन 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 ओके जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग क्या आपने मुझे कॉल मिला ली आपको कॉल तो पड़ गई है बात कर लेते तो अच्छी बात थी खैर नहीं की तो कोई बात नहीं है उमर जवेद साहब थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए नेक्स्ट हाफ में हमारे नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और हम व्यूअर्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जो है बेहतर से बेहतर और आपकी जो एल्बम है उसके लिए दुआ गुआ थैंक यू वेरी मच और चलते हैं जनाब शॉर्ट ब्रेक की तरफ ओके